हमारा नीचे चलने का सफर शुरू हो गया है और ये यहाँ से ये जो केज दिख रहा है बंधा हुआ, अभी हम जमीन से कितने जमीन के कितने मीटर अंदर आएंगे? 550 फीट नीचे। 550 फीट नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे। ये यहाँ से झरने झील चालू हो गई है, नीचे जाए तक के तो ये झरना एकदम भयंकर बड़ा हो जाता है। पीछे इंजन दिख रहा है ये वाला, ये पूरा बैटरी से चार्जिंग होता है, इसका चार्जिंग स्टेशन अंदर है और ये यहाँ से पूरी गाड़ी ढकेल के एक एक करके गाड़ी ऊपर जाती है। तो जो हर गाड़ी है, ये हर गाड़ी में कितना टन मैग्नीस है? 1.5 टन मैग्नीस है हर गाड़ी में। और हेलमेट, चार्जिंग लाइट कंपलसरी। ये जो यहाँ पे ये खदान में 550 मीटर नीचे अपन यहाँ पे जितना पानी आता है वो सब पानी इधर कुएं में जाता है, फिर ये कुएं 240 HP की है। जैसे ये जो चेम्बर है ये ऊपर 5वें फ्लोर तक के है, 5 लेवल से कुआं बनाए, 6 लेवल में वो कुआं बनाए है, 5वें लेवल से 6ठे लेवल में। अब वहाँ से माल डालते हैं, यहाँ ये जो हाइड्रोलिक रखा है इससे उठाते ढक्कन और 1.5 टन की गाड़ी भर जाती है। अब फिर ये चली वो लिफ्ट के तरफ। ये जो दिख रही है ये पूरी नाली, ये पूरी खदान का पानी इसमें से आता है और कभी बारिश अगर जोर से हुई तो यहाँ पे पानी भरता है क्या अजय भाई? ये पूरा पैक हो जाता है, यहाँ तक के पानी भर जाता है। 250 HP की जो मोटरें लगी हुई है वहाँ पे दो, और उसके अलावा भी और मोटरें हैं क्या? 4वें लेवल पे भी है। वो कितने HP की होंगी? वो भी 250, मतलब। और वो मोटर और भी काम में आती है, जैसे जो खदान में से खदान के अंदर से मैग्नीस निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो पानी के जरिए रेत नीचे आती है और रेत बेस में भरा जाती है, उसकी हाइट कम करते हैं, फिर उसको प्लास्टर करके पैक कर देते हैं, ब्लास्टिंग करते। अच्छा ठीक है, ये पीने के पानी की लाइन है और वो कंप्रेसर की लाइन है। तो कंप्रेसर क्या काम में आता है? कंप्रेसर अपने होल मारने का काम आता है, मतलब ड्रिल में गर्मी लगती है। पंखे का काम करते हैं, पंखे का भी काम करता है। ओके, और ये पूरे खदान में एक ही वेंटिलेशन सिस्टम काम करता है, एक ही फैन है जो पूरे खदान में एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है। वो फैन अभी अब जब अपन ऊपर जाएंगे तो वो फैन दिखाऊंगा मैं। खदान में आने के लिए यहाँ से ये एक रास्ता है, तो एक रास्ते को ऑपरेट करने का काम ये अंकल का है। ये अंकल यहाँ से ऊपर कमांड देते हैं, यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। आपका मोबाइल बताइए, मोबाइल बताओ। देखो ये मोबाइल के अंदर में नेटवर्क नहीं आता और ये सिर्फ ये अंकल के पास में लाइन है, बाकी ऊपर रब्ता करने के लिए सारी चीजें मैसर है इनको। यहाँ पे यहाँ से अभी ये खाली झूला आ गया नीचे, अब जब जाएगा तो वो एक भरी गाड़ी इसमें डाल देंगे और फिर चले जाएंगे। तो अब ये यहाँ से 550 मीटर से हम चल रहे हैं अब ऊपर की तरफ। अब ऊपर जाने के बाद में हेलमेट की पाबंदी और जूतों की पाबंदी खत्म हो जाएंगी, लाइट की पाबंदी खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं?